चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रैक एसएससी जेईएन, डीएमआरसी जेईएन, नोएडा मेट्रो जेईएन, स्टेट लेवल जेईएन एंड बीएसएनएल जेईएन। तो देखिए दोस्तों, ये सभी जेईएन के एग्जाम हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। इन सभी जेईएन के एग्जामों में आसानी से कैसे क्रैक कर सकते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। कौन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और मैंने सारे पेपर देखे हुए हैं, फिर उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया है कि कौन से पेपर में से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए मेरे नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले चलते हैं हम डीएमआरसी जेईएन की तरफ। ये जो पेपर लगा है 2014 और 2017 एसएससी जेईएन ने 2 बार कंडक्ट करवाया है, जिसका जो एवरेज है, क्वेश्चन का वेटेज है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी का जो वेटेज है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो उन सभी के बारे में हम देखते हैं डीपली। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो जितनी भी मेट्रो जेईएन की जो एग्ज़ाम होती हैं, उन सभी का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। तो मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं एक पेपर के अंदर, वो 120 क्वेश्चन होते हैं। उन 120 क्वेश्चनों में 75 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं, 45 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं। इस हिसाब से टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। एक दूसरा पेपर और होता है इंग्लिश का, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं 45 मिनट के। टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स का जो वेटेज होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 75 नंबर पेपर के होते हैं और 25 नंबर इंटरव्यू के होते हैं। तो अब चलिए आप देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है डीएमआरसी जेईएन, क्योंकि ये जो 2014 और 2017 में जो पेपर लगा है डीएमआरसी ने, जो कंडक्ट करवाए हैं, उन पेपरों का वेटेज है, एवरेज वेटेज निकाला गया है। सो देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन, बात करते हैं हम यदि इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो वेटेज रहा है आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन विल बी देयर। ईडीसी की यदि हम बात करें तो आउट ऑफ 75 7 क्वेश्चन विल बी देयर, एंड आउट ऑफ 75 5 क्वेश्चन विल बी देयर ऑफ मेजरमेंट। एंड बात करते हैं यदि नेटवर्क की, तो नेटवर्क के आउट ऑफ 75 18 क्वेश्चन विल बी देयर। बात करें यूईपी, यूईपी मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, आउट ऑफ 75 3 क्वेश्चन विल बी देयर। एंड इफ यू टॉक अबाउट पावर सिस्टम, देयर आर 10 क्वेश्चन ऑफ पावर सिस्टम। इफ यू टॉक अबाउट ईएमएफटी, देयर आर 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। ईएमएफटी मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इसके बाद में यदि हम बात करें इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो आउट ऑफ 75 3 क्वेश्चन विल बी देयर। और आईई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जनरली जो मेट्रो लेवल की जितनी एग्जाम होती हैं और एसएससी जेईएन की जो एग्जाम होती है, उसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के जरूर क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। सो इस इन जो पेपर इस जो ये जो पेपर है इस पेपर में आउट ऑफ 75 1 क्वेश्चन आया है। यदि बात करें हम डी की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आउट ऑफ 75 2 क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों देखिए, अब यदि हम इस पेपर का यदि कंक्लूजन निकालें, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है वो वेटेज सबसे ज़्यादा मशीन का रहा है, आउट ऑफ 75 23 क्वेश्चन। उसके बाद में नेटवर्क का रहा है, आउट ऑफ 75 18 क्वेश्चन। उसके बाद में पावर सिस्टम का रहा है। तो लगभग लगभग इस पेपर में तीन तीन जो सब्जेक्ट हैं, मशीन, इसके बाद नेटवर्क, उसके बाद पावर सिस्टम, इन्होंने ही ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पेपर इन्हीं सब्जेक्टों से आए हुए हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जेईएन, नोएडा मेट्रो जेईएन भी एक मेट्रो मेट्रो की एग्जाम है, जो नोएडा मेट्रो के द्वारा जो सॉरी दिल्ली मेट्रो के द्वारा कंडक्ट करवाई गई। इस ये जो पेपर है जो 2017 में लगा हुआ है, इसका वेटेज भी इसका जो क्वेश्चन का वेटेज है वो इसमें चित्र में दिखाया गया है।
इसका जो पैटर्न होता है वो सेम पैटर्न होता है जो डीएमआरसी का जो पैटर्न होता है। इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल पोर्शन में से, जिसमें 75% टेक्निकल के होते हैं, 45% नॉन टेक्निकल के होते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, एंड सेकंड पेपर के अंदर 60 क्वेश्चन 45 मिनट में इंग्लिश के होते हैं। टोटल जो मार्क्स का जो वेटेज होता है वो 75 मार्क्स होते हैं और 25 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों बात करते हैं एनएमआरसी जेईएन की। एनएमआरसी जेईएन में कौन से पेपर का, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है? बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की। आउट ऑफ 75 24 क्वेश्चन विल बी देयर, एंड आउट ऑफ 75 8 क्वेश्चन ऑफ ईडीसी जिसको हम एनालॉग भी बोलते हैं। बात करते हैं हम नेटवर्क की जिसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोलते हैं। आउट ऑफ 75 21 क्वेश्चन विल बी देयर, एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट आउट ऑफ 75 5 क्वेश्चन विल बी देयर। यूपी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आउट ऑफ 75 2 क्वेश्चन विल बी देयर। यूपी मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इफ़ यू टॉक अबाउट पावर सिस्टम आउट ऑफ 75 10 क्वेश्चन विल बी देयर। ई एम एफ टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आउट ऑफ 75 2 क्वेश्चन विल बी देयर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल आउट ऑफ 75 1 क्वेश्चन विल बी देयर, एंड आईई रूल 2 क्वेश्चन विल बी देयर। सो दोस्तों इसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं तो इसमें भी लगभग वही वेटेज रहा है जो डीएमआरसी जेईएन में रहा है। सो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन का आउट ऑफ 75 24 क्वेश्चन विल बी, एंड उसके बाद में नेटवर्क के 21 क्वेश्चन, उसके बाद में पावर सिस्टम के 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें भी मशीन का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2017 में पेपर कंडक्ट करवाया है उस पेपर के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसका भी जो पेपर का पैटर्न है उसका भी वही पैटर्न है जो डीएमआरसी एन नॉर्थ मेट्रो जेईएन और जितने भी मेट्रो लेवल के एग्जाम है उनका सेम लगभग सेम पैटर्न है। बिकॉज ये भारत सरकार के पीएससी के अंदर आती है सो इनका पैटर्न सेम बनाया हुआ है। इफ़ यू टॉक अबाउट इन रिगार्डिंग दिस पेपर, मशीन का जो वेटेज रहा है आउट 75 23 क्वेश्चन, आउट ऑफ 75 19 क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क, आउट 75 12 क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक मेजरमेंट, आउट ऑफ 75 12 क्वेश्चन ऑफ पावर सिस्टम, आउट ऑफ 75 8 क्वेश्चन ऑफ ईसी, आउट ऑफ 75 क्वेश्चन ऑफ ईएमएफटी, एंड आउट ऑफ 75 4 क्वेश्चन ऑफ यूईपी, एंड आउट 75 2 क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, आउट ऑफ 75 2 क्वेश्चन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आउट ऑफ 75 देयर इज सम डी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर इज आल्सो 3 क्वेश्चन विल बी देयर। इसमें भी यदि हम कॉन्क्लूजन निकालते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का सबसे ज़्यादा वेट रहा है लगभग, मैंने सभी पेपरों जो एवरेज देखा है उसमें लगभग 25 से 30% इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज रहा है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है नेटवर्क, नेटवर्क का वेटेज लगभग 20% रहता है पेपरों में, उसके बाद में पावर सिस्टम का और उसके बाद मेजरमेंट का। तो लगभग ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं उन सब्जेक्टों का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। यदि आप लोग को ये सब दी जाती है कि मेजरमेंट इलेक्ट्रिक मशीन नेटवर्क और पावर सिस्टम को अच्छे से ये तुम चार सब्जेक्ट कर लेते हैं तो यू विल बी क्रैक इजीली फॉर एनी टाइप ऑफ जेईएन लेवल एग्जाम। देखते हैं अगला, बात करते हैं एसएससी जेईएन की। बिकॉज हर स्टूडेंट का टारगेट होता है टेक्निकली एसएससी जेईन को क्वालिफाई करने का होता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि एसएससी जेईन में हर साल वैकेंसी आती रहती है, इसीलिए हर स्टूडेंट का यही टारगेट होता है। और एसएससी जेईन के बारे में मैं थोड़े से डिटेल से बताऊंगा कि एस एस जेई में टोटल नंबर क्वेश्चन होते हैं वो 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 50 क्वेश्चन जी के होते हैं। जी के का मतलब है जनरल नॉलेज। मैं सभी सभी पेपर 2017 2016 2015 2014 2013 2012 एंड 11 एंड 2009 2008 एंड 2007 मैंने सारे पेपर का ये एवरेज निकाला हुआ है। और उन एवरेजों में उन एवरेज के थ्रू मैं जो डिटेल दिया हुआ है कौन से पेपर में किन सब्जेक्टों का कितना कितना वेटेज रहा है वो सबको दिखाया गया है। ये सबको हम आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए 2017 में जो एसएससी ने पेपर कंडक्ट करवाया था उस पेपर में टोटल 8 सेट बनाए थे, और 8 सेटों के हो सकता है कि मैं 8 सेटों के जो क्वेश्चन हैं उनको जल्दी जल्दी यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। सो देखते हैं इस पेपर में कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है। आउट ऑफ 100 इलेक्ट्रिक मशीन 30% इट मीन्स इट इज 30%। आउट ऑफ 100 26 क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क, आउट ऑफ 100 7 क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, आउट ऑफ 100
15 क्वेश्चन ऑफ पावर सिस्टम एंड आउट ऑफ 100 6 क्वेश्चन ऑफ डीसी जिसको हम एनालॉग भी बोलते हैं आउट ऑफ 100 5 क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आउट ऑफ 100 3 क्वेश्चन ऑफ रेल प्रोडक्शन। तो दोस्तों ये एससीजी ने एक ऐसा पेपर है जिसमें रेलवे टैक्स संबंधी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये बाकी डीएमआरसी एमआरसी इन पेपर में नहीं पूछा जाता, बट रेलवे टैक्सन का सॉरी एसएससी या नेट टैक्सन का क्वेश्चन जरूर आता है। बात करते हैं ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन चले गए हैं। आई रूल से हमारे एससी में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों यह रहा इस पेपर का, पेपर जो एसएससी ने करवाया है उसका वेटेज, ये सभी एवरेज निकाले हुए हैं, ये जितने भी साल गए हैं लगभग 10 से 11 साल का जो वेटेज है वो सभी का वेटेज से एवरेज निकला गया है। तो फाइनली वी हैव कंक्लूडेड दैट जो इलेक्ट्रिक मशीन है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है, उसके बाद में नेटवर्क का वेट रहा है, उसके बाद में पावर सिस्टम का और फिर मेजरमेंट का। तो दोस्तों ये तो रहा इन इन जो ये जीएल लेवल की एग्जाम है उनके बारे में डिटेल। अब मैं मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में तुम्हें डिटेल से बताना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बनाया हुआ है इलेक्ट्रिकल जेएन ट्यूटर के नाम से, और आप इस चैनल के माध्यम से अपने जो इलेक्ट्रिकल मशीन नेटवर्क मेजरमेंट पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं उनके वीडियो इस पर अपलोड करूँगा। और ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं मशीन नेटवर्क मेजरमेंट और पावर सिस्टम, इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों ज़रूर आप इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।